टेलाविव को औपचारिक रूप से दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित कर दिया गया है। पेरिस और सिंगापुर दूसरे स्थान पर आते हैं। यह रैंकिंग देश की करेंसी की मजबूती की तुलना में इन शहरों में 200 चीजों की कीमतों के आधार पर की जाती है। इस सूची में 173 अलग अलग शहरों की जांच की गई और उसमें ये भी बताया गया है कि इस साल सभी चीजों की कीमतों में कुल मिलाकर 3.5% की वृद्धि हुई है। यह पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। यदि आप भारत में ना रह रहे होते तो आप किस देश में रहना पसंद करते, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नासा ने 10 नए एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया है। इन सभी को अगले 2 साल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे स्पेस फ्लाइट के लिए एलिजिबल हो जाए। 12,000 लोगों में से केवल इन 10 को ही चुना गया। यह सभी अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं। इनमें एक मेडिकल फिजिसिस्ट, एक ड्रिलिंग स्पेशलिस्ट, एक मैरिटाइम रोबोटिसिस्ट, एक नासा टर्न स्पेस एक्स फ्लाइट सर्जन और एक बायो इंजीनियर है जो पहले एक साइक्लिस्ट भी थे। यह सभी एस्ट्रोनॉट नासा के उस पुश का हिस्सा होंगे जो 2025 तक चांद से वापस आएगा। क्या आप कभी एस्ट्रोनॉट के लिए आवेदन करना चाहोगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जॉर्डन के 76 साल के मोहम्मद मलहाज ने अपने घर के बेसमेंट में अपने लिए एक कॉकपिट तैयार किया और वे उसमें दुनिया भर की उड़ानें भरते हैं। एविएशन के लिए मोहम्मद का रुझान बहुत पहले से है और वे 1976 में रॉयल जॉर्डेनियन एकेडमी का एक हिस्सा थे। रिटायर होने के बाद अब वे अपने बनाए हुए कॉकपिट में आकाश में घूमते हैं ताकि वे अपने पैशन को जारी रख सके। यह बहुत ही कूल है ना ग्रास्पर्स। इस सप्ताह का मुहावरा है घर का न घाट का, जिसका मतलब है कहीं का न रहना। दोनों जगह नौकरी न मिलने पर वह तो घर का रहा न घाट का। बूझो तो जाने, खड़ी करो तो गिर पड़े, दौड़ी मीलों जाए, नाम बता दो इसका, यह हमें बिठाए। बताओ क्या? साइकिल। पहचानो कौन? इस ब्रिटिश उपन्यासकार ने गुमनाम रहकर अ लेडी नाम से अपने उपन्यास पब्लिश कराए। वे 18वीं सदी की एक रोमांटिक उपन्यास लेखिका थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस और मैन्सफील्ड पार्क। पहचाना आपने? ये जेन ऑस्टिन ही है। क्या आपको मालूम है कि महिलाओं और मिडिल और अपर क्लास पर लिखी उनकी पुस्तकों पर कई फिल्में भी बनी हैं? क्या आपको मालूम है कि जेरिको दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर है? यह जॉर्डन घाटी के पश्चिमी तट पर पैलेस्टीन का एक शहर है और समुद्र के स्तर से 846 फीट नीचे बसा हुआ है। इस तरह यह शहर दुनिया का सबसे नीचे परमानेंटली बसा हुआ शहर है। यह 11,000 और 9,300 BCE में बना था। यहाँ सबसे पहले स्थायी रूप से किले बने थे। इस पुराने शहर ने हर तरह के समय का सामना किया है और अब यह ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजी का केंद्र बना हुआ है। कौन सी प्रसिद्ध नदी प्राचीन शहर जेरिको से होकर बहती है? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। नासा द्वारा बुध की कक्षा में इसकी विशेषताओं और पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए शुरू की गई रोबोटिक अंतरिक्ष जांच मैसेंजर है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र की हर्षमिता को हार्दिक अभिनंदन।